हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज के इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोसेशन का चैप्टर 10, जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का समरी प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इनका बायोग्राफी वगैरह है, सारे चीज हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, जो अगर इस चैप्टर को कवर नहीं किए तो वो कवर कर लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको आज इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आपसे लगभग क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पर्ल एसबर्ग हैड हैड या फिर एंड, देखिए ए या एन दिया गया है, ये आपके ऑप्शन के अनुसार लगेगा। ठीक है, अगर आपका आई आता है, बी अगर ऑप्शन सही होगा तो एन लगेगा, अगर आपका ए ऑप्शन सही होता है तो ए लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ आपका ए या एन दिया गया है, आर्टिकल है। ठीक है, फैमिली डैश फैमिली डॉक्टर, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी पर्ल एसबर्ग हैड एंड फैमिली डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर थे वो कहाँ के थे, चाइनीज थे, यानी पर्ल एसबर्ग के पास जो फैमिली डॉक्टर थे वो कहाँ के थे, चाइनीज, इंडियंस, बिल्कुल इंडियंस थे, वो कहाँ के थे, इंडियंस थे, यानी ऑप्शन जो होगा आपका फर्स्ट का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग ऐसे स्टोरी, नोवेल या फिर ड्रामा। ये जो है इंस्पायर करने वाला एक स्टोरी है, नोवेल है, ड्रामा है या फिर ऐसे, तो सीधी बात है कि ये जो है एक प्रकार का ऐसे है। ये जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई जो है ये एक प्रकार का आपका ऐसे है, यानी जो आपका दिया गया है ऐसे आपका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया, डैश हैज प्रेज्ड इंडिया पीपुल एंड दियर लाइफ, यानी शिगानो या फिर आपका दिया गया है पर्ल एसबर्ग, यानी भारत के लोगों के काफी ज्यादा प्रशंसा करते हैं, भारत के लोगों का प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, और यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ की जो जीवन है उनको काफी ज्यादा मतलब उनको लेकर के प्रशंसा करते हैं, उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। कौन करते हैं, ये पर्ल एसबर्ग, कौन करते हैं, पर्ल एसबर्ग, यानी ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन रिटन बाय, यानी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई ये किसके द्वारा लिखे गए, यानी पर्ल एसबर्ग के द्वारा, है ना, पर्ल एसबर्ग के द्वारा ये लिखे गए हैं। इनके राइटर का नाम क्या है, पर्ल एसबर्ग है, तो ऑप्शन आपका ए लोक होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, पर्ल एसबर्ग इज एन डैश राइटर, वो कहाँ के राइटर थे, उनकी जन्म कहाँ हुई थी भाई, उनकी जन्म कहाँ हुई थी, अमेरिका में, और वो डेथ भी किए थे कहाँ, अमेरिका में ही। ठीक है, वो अमेरिकन राइटर है, पर्ल एसबर्ग जो क्या है, अमेरिकन राइटर थी, ऑप्शन आपका बी लोक होगा, यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर आप पढ़े हैं तो सारा चीज आपसे सॉल्व हो जाएगा। The president of the General Assembly of the UNO, UNO is a woman of dash, yani UNO, United Nations Organization जो है आपका, इनके जो असेंबली के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली हैं, वो कहाँ की औरत थी, कहाँ की वुमेन थी, तो वो इंडियन थी, वो जो थी इंडियन थी। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन आपका डी लोक होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, काफी सिंपल है, बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि द लाइफ स्पेन इन इंडिया वॉज ओनली कितना साल वो इंडिया में बिताई थी, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, कितना साल वो इंडिया में बिताई थी, ये चीज आपको बताना है, तो लगभग 27 ईयर्स, कितना 27 ईयर्स, यानी ऑप्शन जो आपका क्या होगा, बी लोक होगा, द लाइफ स्पेन इन इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर्स, है ना, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्ल एसबर्ग विजिटेड इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द डैश, यानी आपको बताना है कि पर्ल एसबर्ग जो है भारत की जो यात्रा करते हैं, भारत का जो विजिट करते हैं तो वो क्या देखने के लिए, ठीक है, यहाँ के यंग इंटेलेक्चुअल्स यानी जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको देखने के लिए आते हैं, और यहाँ के जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनकी स्थिति को देखने के लिए आते हैं, यहाँ के किसान और यानी जो पीजेंट्स हैं उनकी स्थिति को देखने के लिए आते हैं, और गाँव में रहते हैं और एक परिवार में रहते हैं, सारा चीज वो देखते हैं, वो ताजमहल ये वो सब जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो देखने के लिए नहीं आते हैं, वो गांव की स्थिति, यहाँ जो रियल लाइफ है, जो गांव देहात की जो रियल लाइफ है, यहाँ के लोगों को जानने के लिए आते हैं, और यहाँ के लोगों से वो काफी ज्यादा लगाव महसूस करते हैं। ठीक है, ये लगाव महसूस करते हैं, हमसे भी कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है, कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाय डैश बार्बरियन इन्वेडेड,
है ना इन्वेडर्स। तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, यहाँ आपको भरना है कि वॉर यानी वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स, यानी जो है कश्मीर का भी जो मुद्दा है, ये भी जो बांटा गया, कश्मीर जो इन्वेडेड किया गया, ये भी बारबर यानी व्हाइट अमेरिकन यहाँ किया गया है, अंग्रेजों को दोष दिया गया, अंग्रेजों को दोष दिया गया। क्योंकि आपको मैंने संबी का जब एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो पर्ल एस्पेक्ट है, इंडिया में जो भी दुर्दशा है, इंडिया में जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि गलत या फिर कह सकते हैं कि यंग लोगों की जो स्थिति दयनीय है या फिर किसानों की स्थिति जो दयनीय है, वो किसके कारण है, ब्रिटिश लोगों के कारण, अंग्रेजों के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर अंग्रेज नहीं आते इंडिया को, अगर नहीं लूटते, तो फिर यहाँ की ऐसी स्थिति नहीं बनती, ठीक है, यहाँ फिर ऐसी स्थिति नहीं बनती, ठीक है। तो व्हाइट हो जाएगा यानी व्हाइट बर्बर्स यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस्पेक्ट द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर्स इज एट, ठीक है, यानी सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस क्या हो जाएगा, लीडर्स का जो गुण होता है वह सेल्फलेसनेस क्या हो जाएगा, सेल्फलेसनेस, यानी ऑप्शन आपका ए लोग होगा, यानी पर्ल एस्पेक्ट जो कहते हैं जो लीडर्स का गुण होनी चाहिए, जो ये नेताओं का गुण क्या होता है, सेल्फलेसनेस का होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इंडिया हैड टू टीच, इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वॉज ह्यूमिनिटी क्रुएल्टी सिकनेस या फिर नन ऑफ दिस। देखिए भारत जो है सिखाती है वेस्ट कल्चर को, वेस्टर्न वेस्ट जो कंट्री है, जो भी पश्चिमी सभ्यता के या फिर पश्चिम कंट्री, पश्चिम में जितने भी देश आते हैं, इंडिया उन लोगों को क्या टीच करती है, क्या सिखाती है, यानी सिकनेस या फिर क्रुएल्टी नहीं, वो ह्यूमिनिटी सिखाती है, मानवता क्या है, इस चीज का सबक भारतीय लोग सिखाते हैं, मानवता क्या है, इस चीज का सबक जो है भारतीय लोग कहां सिखाते हैं, किसको सिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, पश्चिमी देशों के लोगों को सिखाते हैं। इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वॉज ह्यूमिनिटी, यानी ऑप्शन आपका ए लोग होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु रोट कम माई बिलव्ड, हु रोट कम माई बिलव्ड, कम माय बिलव्ड, ये इनके राइटर का नाम पूछा गया, इनके राइटर का नाम पूछा गया, 12th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो बिल्कुल इनके राइटर का जो नाम होगा वो पर्ल एस्पेक्ट होंगे, क्या नाम होंगे इनका, पर्ल एस्पेक्ट, यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो पूछा गया है अगला, कि हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस व्हिच बग्स इन विजिटेड, यानी जो है यहाँ रियल मास्टर जो है वो चीज पूछा गया, रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बग्स विजिटेड, यानी जो है द एल्डर ब्रदर, द यंगर ब्रदर, फादर या फिर मदर। तो यहाँ जो 13 का जो बिल्कुल करेक्टर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द यंगर ब्रदर, ठीक है। रियल मास्टर जो था उनका कौन था, यंगर ब्रदर, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी यंगर ब्रदर वॉज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बग विजिटेड, है ना, विच बग्स विजिटेड, ठीक है। यानी जो यंगर ब्रदर है उनके क्या होते हैं, वो रियल मास्टर होते हैं, वो घर को संभालते हैं, वो ये सब चीज जो देखते हैं ना, वो सब चीज, ये सब चीज जो इंडिया आके वो सीखते हैं, इंडियन, क्योंकि देखिए वो अमेरिका में उनकी पैदाइश हुई, पर्ल एस्पेक्ट की जो पैदाइश हुई अमेरिका में, वो डेथ भी किया अमेरिका में ही, लेकिन रहती थी वो चाइना में, वो रहती थी और वहाँ के यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थी, वहाँ यूनिवर्सिटी में चाइना में प्रोफेसर थी, तो एक फैमिली डॉक्टर थी उनके, वो फैमिली डॉक्टर इंडियन थी और वो इंडियन के, वो फैमिली डॉक्टर के माध्यम से इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुन के रखी थी। तो वो फिर फाइनली इंडिया आती है और यहाँ के गाँव देहात में रहती है, वहाँ की विजिट करती है और इंडिया की हालत को, इंडिया की दुर्दशा को वो देखती है, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स जो बौद्धिक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो किसान हैं उनकी स्थिति को देखते हैं, फिर जो दयनीय स्थिति देखते हैं, इनके लिए जिम्मेवार अंग्रेजों को ठहराती हैं, ठीक है, ये सब चीजें। अब देखिए पर्ल एस्पेक्ट केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू डैश बुद्धिज्म, हिंदुज्म या फिर इस्लाम या फिर क्रिज्म। देखिए वो इंडिया जो आती है ना, वो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करती है ना, बौद्ध धर्म के बारे में वो जानकारी प्राप्त करती है और भगवान बुद्ध की जो जीवनी है उनके बारे में वो जानकारी लेती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए लोगों का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, हु प्लेड अ वाइटल रोल इन एक्सचेंज ऑफ कोरियन प्रिजनर्स, है ना, कोरियन प्रिजनर्स, ठीक है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन जनरल, ठीक है, इंडियन जनरल की बात की गई है, तो ऑप्शन आपका बी लोग होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर पूछा गया, वो प्रपोज्ड, है ना, क्या पूछा गया, वो प्रोपेनाइज्ड ब्लड बोथ इन एशिया, है ना। तो यहाँ जो है आपको नेहरू के बारे में दिया गया है या फिर एक तरह से कहा गया है कि एक तरह से विंस्टन चर्चिल या फिर एटली या फिर आपका तीनों जो है ना, तीनों क्या है, आपके महान नेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक तरह से विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो है ना, ये बहुत बड़े क्रूर अधिकारी थे और इन्होंने कहा था, विंस्टन चर्चिल के बारे में जानते हैं, इन्होंने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, नेगेड बिगर कहा था, गांधी जी को नंगा फकीर कौन कहा था, विंस्टन चर्चिल ने ही करा था, क्योंकि उनके गांधी जी ही जो हैं
वो उन्होंने वही जो है जो मेन को देश को आजादी दिलाए, और वो चाहते थे कि गांधी जी की देहांत तो हो जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे हिस्ट्री हैं, ऐसे ऐसे जमाना गुजरे हैं कि तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें गांधी जी के बारे में, बहुत सारी चीजें, और चर्चिल जो है गांधी जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहे हैं, और गांधी जी भी कहे हैं, है ना। इंडियन असेंबली को बहुत बड़ा खतरनाक वर्ड से वो कहे थे, जो सॉरी जो ब्रिटिश असेंबली था, ब्रिटिश जो असेंबली थी उस टाइम जब अंग्रेज भारत में आजादी का दौर चल रहा था, तो गांधी जी वहां के ब्रिटिश असेंबली को कुछ कहे थे, ऐसे बात कहे थे कि हम भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसे कुछ वैश्या वैश्या कहे थे, वैश्या, ठीक है, समझ लो, अब खुद समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि कर दिया था ऐसा, नाक पे दम कर दिया था हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए, द फूड इन इंडियन विलेज वॉज सर्वड ऑन डैश लिव्स, है ना। तो बनाना हो जाएगा पीपल, मैंगो या फिर पपाया। तो 17 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, हो जाएंगे बनाना, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी केले के पत्तों पर गांव के देहात में क्या खाते, खाना खाते थे, है ना। केले के पत्थर पर केला का पत्ता लाया, वहीं खाना रखा केले के पत्ते पर, और वहीं खाना खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय पर्ल एसबक, इनके राइटर का नाम क्या है, पर्ल एसबक है। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट आपका जो वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क इनके द्वारा जो किया गया, वो चीज आपको वहां मैंने दे दिया था, वहां आपको समरी में इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब देखिए, डैश एंड पिजेंस वर द पीपुल पर्ल एसबक वॉन्टेड टू मीट वेल इन इंडिया, यानी आपका इंटेलेक्चुअल्स, है ना, डैश का ना, डैश एंड पिजर्स यानी किसके साथ, इंटेलेक्चुअल्स और पिजर्स यानी जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ, और यहाँ के किसानों के साथ वो मिलना चाहती थी, ठीक है। यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ की किसानों की स्थिति को वो जानना चाहती थी, यहाँ के किसान की क्या स्थिति, क्या दयनीय स्थिति है, उस चीज को वह जानना चाहती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो आपका जो है सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया। टोटल कितना क्वेश्चन था भाई, चैप्टर भी जो आपका शॉर्ट था 19 क्वेश्चन था, ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन का 19 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग है, आपको इसका पहले समरी देख लेना है, जो एक्सप्लेनेशन आपका किया गया उसको देख लेना है, उसके बाद ये आपको देखना है, ठीक है, तभी आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग क्लास कीजिए और इसी तरह से बने रहिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।